बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज मेरी वीडियो के पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा है जी, यानी कि गांव में मौजूद हूँ और मैं कहीं मेहमान गया हुआ था। अब बाहर बैठा ऐसे मैं बाहर निकला हुआ था और मैं देख रहा था आज डॉलर रेट और रियाल रेट में काफ़ी जंप लग चुका है। मैंने बोला चलो यहीं से वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो बहरहाल आपको गाँव का माहौल देख लें, पीछे खुला है जी माशाल्लाह। आपको मैं पहले इस तरफ अभी दिखाता हूँ, मैं हम डॉलर रेट के मुताबिक बात कर लेते हैं। 190 रुपए 2 पैसे था तकरीबन और आज 191 रुपए 70 पैसे हो चुका है, यानी कि 1 रुपए 75 पैसे रेट भाई आज एक ही दिन में बढ़ा है डॉलर का। अगर हम रियाल रेट के मुताबिक बात करें तो एक्सचेंज रेट पहले आपको बता दूँ मैं, 50 रुपए 87 पैसे हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है जी ऐसा कि रियाल रेट इतना हाई हुआ है, और इससे पहले 50 क्रॉस हुई थी इससे पहले, लेकिन 50 12 15 के ऊपर रुका हुआ था, अभी 51 तक पहुंच चुका है। आप यही समझ लें, आपको मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी बता देता हूं। मैं एसटीसी पे की बात करें तो भाई 50 रुपये इस वक्त पूरा रेट 50 रुपये हो चुका है। एसटीसी पे पूरा 50 रुपये रेट दे रहा है 17% फीस के साथ। राजी बैंक इस वक्त 49 रुपये 84 रेट दे रहा है 10% फीस के साथ। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 50 रुपये 15 पैसे रेट हो चुका है। कितना? वेस्टर्न यूनियन भाई इस वक्त 50 रुपये 15 पैसे रेट दे रहा है। 50 प्लस में बैंकों में भी रेट जा चुका है। और मनीग्राम की बात करें तो आपको 50 रुपये 30 पैसे इनका रेट सबसे हाई होता है। मनीग्राम 50 रुपये 30 पैसे रेट दे रहा है भाई 17% फीस के साथ। और एएनबी बैंक 49 रुपये 80 पैसे रेट दे रहा है 15% फीस के साथ। बैंक जजीरा की बात करें तो भाई 49 रुपये 85 पैसे दे रहे हैं 10% फीस के साथ। इंजाज बैंक 49 रुपये 75 पैसे 17% 23% फीस के साथ। तो मुस्लिम बैंकों के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया। कल इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 हो जाएगी बैंकों में भी।